हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज सो के उठने के बाद पहले मैंने ब्रश किया एंड उसके बाद मैंने फेस वॉश से मुंह धोया। अब टाइम है स्किन केयर का। सो पहले फुसफुस करते हैं, ये है कामा आयुर्वेदा का रोज वाटर। फिर लगाते हैं ये प्लम का 10% नायसिनमाइड सीरम जो ख़त्म हो चुका है, सो परचेज करना पड़ेगा फिर से। एंड अब टाइम है मॉइस्चराइजर का, वही मेरा पॉन्ड सुपरलाइट जेल मॉइस्चराइजर। एंड लास्टली लगाते हैं हमारी वही सनस्क्रीन 2% हाइलुरोनिक एक्वा जेल डर्मा को की। एंड फॉर लिप्स लगाते हैं लानेज का लिप बाम। सो वी आर डन विद द मॉर्निंग स्किन केयर। ऑल्सो अब पीते हैं सम गर्म पानी एंड खाते हैं एप्पल। एंड लास्टली लिखते हैं हमारे मैनिफेस्टेशन राइटिंग्स एंड करते हैं अब मेरे दिन की शुरुआत। हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है संपदा नागविकर और मैं बनाती हूँ वीडियोस रिलेटेड टू माय वेट लॉस जर्नी, फिटनेस चैलेंजेस एंड व्लॉग्स। सो गाइस, आज डे 23 या 24 है, मुझे याद भी नहीं है ठीक से, बट अब हमारे दिन की शुरुआत करते हैं विथ माई ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट में मैंने लिया है आज ये, सो ये है चपाती, फिर ये है टमेटो एंड पटेटो की सब्ज़ी जो पाव भाजी के साथ खाते हैं वो वाली, एंड ये मैंने लिया है थोड़ा सा ग्वावा, पेरू कहते हैं हम उसे। सो यस, ये मेरा ब्रेकफास्ट होने वाला है, सो लेट्स टेस्ट इट। ऑल्सो उस दिन के बाद आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मुझे लूज मोशंस का प्रॉब्लम हो रहा है, बट टैबलेट लेने के बाद दूसरे दिन यानी कल मैं पूरी तरह से ठीक हो गई एंड मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सो नाउ लेट्स टेस्ट। भाजी थोड़ी स्पाइसी है एंड मैंने कुछ ज़्यादा ही नींबू डाल दिया इसमें, बट इट्स ओके, ये खाते हैं अब। मुझे ये फ्रूट भी बहुत पसंद है, बहुत दिनों के बाद खा रही हूँ मैं। अब मैं अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करती हूँ एंड फिर आपको मिलती हूँ। सो गाइज, अब टाइम है बिनविल स्नैक का एंड मैं लेके बैठी हूँ कोकोनट। सो मैं कोकोनट वाटर पीने वाली हूँ एंड फिर इसकी मलाई खाने वाली हूँ, सो लेट्स ड्रिंक इट। सो पानी तो खत्म हो गया, बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी था। अब खाते हैं इसकी मलाई। सो मलाई ओवर। अब मैं थोड़ा नोट्स रीड कर रही थी क्योंकि आज शाम को मुझे ट्यूशंस है। सो या अब मैं आपको डायरेक्टली लंच के टाइम मिलती हूँ। बैठी हूँ मेरा लंच लेके। सो लंच में आज मैं खा रही हूँ ये। सो पहले तो मैंने राइस लिया है, फिर ये है करी मैकरल की, मैकरल मतलब हम कोकनी में उसको बांगड़ो भी कहते हैं, फिर ये है कुकुम्बर फॉर सैलड एंड ये भी मैंने मैकरल ही लिए हैं, लाइक 3 पीसेस लिए मैंने क्योंकि मुझे फिश बहुत पसंद है एंड बहुत दिनों के बाद मैं खा रही हूँ। थोड़े दिन मैंने वेज किए, फिर चिकन खाया, अंडा खाया एंड फाइनली हम फिश के पास आ गए। फिश सी फूड मेरा फेवरेट है, स्पेशली प्रॉन्स एंड किंग फिश, यस ये मेरे फेवरेट है। सो नाउ लेट्स टेस्ट आर लंच। ऑल्सो करी की रेसिपी मैंने एक व्लॉग में शेयर की थी, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अगर आपको देखनी है कि गोवन करी कैसे बनाते हैं। गोवन फिश करी इट्स फॉर नॉन वेज पीपल, वेज पीपल के लिए करी की रेसिपी मेरे पास नहीं है। फर्स्ट बाइट फिश। आज की करी बहुत ही ज़्यादा यम है एंड वो खट्टा मीठा टेस्ट आ रहा है, थोड़ा स्पाइसी भी है, सो मुझे बहुत पसंद है ये, लाइक खट्टा जो भी हो ना वो मुझे पसंद है। सो मैं अच्छे से इंजॉय करूँगी एंड फिर मैं आपको शाम के टाइम मिलती हूँ।
गाइस मैं आ गई ट्यूशन से. आज थोड़ा लेट हो गया मुझे, अराउंड 6:30-7 o'clock बज गए हैं. एंड अब मैं पी रही हूँ अपनी कॉफ़ी. सो लेट्स टेस्ट. आज मैंने ली है रेज कॉफीज की कॉफ़ी, फ्लेवर मैं भूल गई बट टेस्ट अच्छा है. यम इन द टम. सो मैं ये इंजॉय करती हूँ एंड फिर आपको मिलती हूँ. ऑल्सो मैं और एक बात बताना भूल गई कि अभी मैं जिम में जाने वाली हूँ. सो झट से रेडी होते हैं एंड फट से निकलते हैं. सो गाइज मैं आ गई जिम से, नहा धो के अब बैठ गई हूँ मैं अपना डिनर लेके. सो डिनर में मैंने आज लिया है वाइट ब्रेड, क्योंकि ब्राउन ब्रेड मैं लाना भूल गई एंड सिर्फ वाइट ब्रेड थे घर पे. फिर ये है चिकन एंड ये है क्लैम्स की करी. हालांकि क्लैम्स इसमें से ख़त्म हो गए, सो मैं इसमें चिकन डाल के यू नो वही इंजॉय करने वाली हूँ. मैं यूजली चिकन बॉयल ही करती हूँ. ये एक बहुत ही मस्त हैक है क्योंकि ग्रेवी में कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने चिकन डाल दिया इसमें. ऑल्सो मैं यूजली ये ऑमलेट और कोई भी ग्रेवी रहती है उससे करती हूँ. लाइक ऑमलेट बना के उस ग्रेवी में डालती हूँ एंड नाइसली ऐसे रस ऑमलेट की तरह यू नो ब्रेड के साथ खाती हूँ. सो बहुत टेस्टी लगता है, आप भी ट्राई कर सकते हो. एंड ऑल्सो अब मैं ये इंजॉय करूँगी. फिर मुझे थोड़ा बालों में ऑयलिंग करना है क्योंकि कल मुझे यू नो हेड बाथ लेना है. बहुत ही चिपचिपे हो गए हैं क्योंकि जिम में जाने के बाद बहुत स्वेटिंग होती है एंड फिर वो बाल वैसे रहते हैं. सो इसलिए हाँ ऑयलिंग करेंगे, फिर स्किन केयर करके मैं सोने वाली हूँ. सो इसलिए मैं ये व्लॉग यही एंड करती हूँ. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. मैं आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ. सो तब तक के लिए बाय गाइस, सी या.